तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, फाइनली नीतीश कुमार जी खुश हो गए बसंती जी पे और उन्हें दे दिया है राशन, दे दिए 30-40 किलो चावल होगा, एक अरवा चावल था और एक उसना चावल था, दोनों मिला के दिए हैं बसंती जी को, दोनों की ज़रूरत थी। अच्छा बसंती जी, एक बात बताइएगा, आपके पास 3 बोरा गेहूँ स्टॉक है, ठीक है, खेतों में धान लगा हुआ है जी, आप उगा ही लेती हैं, जो आपके यूज़ में आ जाता है, थोड़ा बहुत खरीदना पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन मोटा मोटी सब्जी आप उगा लेती हैं, उगाने के साथ साथ जो आपका घर में खर्च होता है तो होता है, आप बेच भी लेती हैं, उससे भी कुछ पैसा इनकम हो जाता है। मतलब उस सब, अभी आप लौका देख रहे हैं कितना बेच रही हैं, उस लौका को बेच के आलू प्याज तो खरीद सकती हैं ना, उस पैसे से ही आपका आलू प्याज खरीदा जाता होगा। तो आपको इस राशन की ज़रूरत थी? नहीं बसंती जी, आपको इस राशन की ज़रूरत नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद भी दादाजी को भी और आपको भी शायद कुछ ना कुछ पेंशन सरकार द्वारा होगा, और इसके बाद ऊपर से आपका यूट्यूब का मान लीजिए कम से कम आपका 1 लाख रुपए का इनकम है, ये भी आपके लिए कम है बसंती जी। अगर आप इतना पैसा और इतना धन अनाज होते हुए भी आप अगर गरीब हैं, तो भगवान करे हर एक कोने में ऐसे गरीब हो, भगवान सबको ऐसे ही गरीब बना दे जितना आप गरीब हैं। आपको इस राशन की ज़रूरत नहीं है बसंती जी, आप ये राशन छोड़ दीजिए, जिनको सही में ज़रूरत है उनको मिलने दीजिए। आप झूठ का वीडियो बनाने के लिए और गरीबी दिखाने के लिए इस यूट्यूब पे क्यों राशन ले रही हैं? बहुत गलत बात है। नीतीश जी आपसे कहना चाहेंगे, बसंती जी का लौका सूखल जा रहा है, वहाँ धुआं हो रहा, तो एक काम करिए, पटना इनको बुलाइए, वो 1-2 बीघा ज़मीन दे दीजिए, वही सर्कुलर रोड में पटना में जहाँ आप रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ मस्त ये खाना बनाएंगे, कोलवई कोलवई खेलेंगे, रोज एकमा से ट्रेन पकड़ेंगे और पटना पहुँच जाएंगे, वहाँ मस्त खाना बनाएंगे, दिखाएंगे, देखिए दोस्तों ये बनाए हैं, देखिए दोस्तों ये बनाए हैं, ये रेसिपी बनाए हैं, वो रेसिपी बनाए हैं, दे दीजिए। हम तो कहेंगे राशन दिए हैं तो आप ज़मीन भी दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिएगा, 1-2 बीघा ज़मीन दे दीजिए इनको, इतनी गरीब हैं। उसके बाद दादाजी ने तो आज कमाल कर दिया, जैसे ही टुलुआ ने कैमरा पकड़ा और कहा कि आज हम बाज़ार जा रहे हैं, दादा की दवाई लाना है, अपना बुक लाना है, दादा से पूछा कि दादा और कुछ ले आऊँगा, दादा कहें कि हाँ 1/2 किलो 1 किलो मुरई ले लिया। अब बुक का नाम सुन के दादा ऐसे करके सोच रहे हैं कि बुक कर रहे हैं, बुक कौन सी के, मतलब दादा ने पोल पट्टी खोल दी, दादा ने आज टुलुआ की पोल पट्टी खोल दी, दादा जान रहे हैं कि ये तो पढ़ता लिखता है नहीं, बुक किस चीज़ का लेके आएगा भैया। हमको लगा कि हो सके हम दादा का बात क्लियर नहीं समझ पाए, तो हम सोचे वीडियो आगे बढ़ता है तो पता चलेगा हमारा टुलुआ कौन सा बुक लेके आया। वीडियो आगे बढ़ा, टुलुआ भैया ने दिखाया बाज़ार का पंडाल और बाज़ार से बाहर का भी पंडाल, बाज़ार में बहुत भीड़ था, हम लोगों ने देखा पूरा। और उसके बाद टुलुआ भैया ने दिखाया कि दादा की दवाई लिए हैं और मुरई लिए हैं, बुक का पैसा नहीं बचा। मतलब शुरू से ही ये झूठ बोल रहे थे, इनको बुक तो चाहिए नहीं, पढ़ते लिखते तो हैं नहीं भैया। अगर सही में आपको बुक चाहिए टुलुआ भैया, बुक आपको लेना था तो नेक्स्ट टाइम जाइएगा बाज़ार और दिखाइएगा कौन सा बुक लिए हैं, और थोड़ा उसको पढ़ के भी हम लोगों को बताइएगा। विश्वास नहीं होता है, बहुत झूठ बोलते हैं आप। मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी 100 है तो आप 200 हैं झूठ बोलने में। दादा सो स्वीटी, बस सच्चा पोल खोलते हैं इन लोगों का। उसके बाद आज टोलुआ भैया गए मौसी के घर, वही शायद घर फोड़ने वाली मौसी है, उनके यहाँ बच्चा हुआ है, बताएं ना कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये बोले कि बच्चा हुआ है, 27 है, उस 27 में गए। टोलुआ भैया बड़ा स्मार्ट लग रहे थे आप, लाल लाल शर्ट ऊपर से लाल और वाइट जूता, कहाँ से जूता लिया है टुलुआ भैया, कौन से ब्रांड का है दिखाइएगा हमें नज़दीक से, बहुत अच्छा लग रहा था। जब से देखे हैं तब से कह रहे कि ना हमको टुलुआ भैया जैसा जूता चाहिए, बहुत हम परेशान हैं, मिल नहीं रहा है, बहुत खोज रहे हैं, ऑनलाइन भी देखा ऑफलाइन भी देखा, आप इसका लिंक हमें दे दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके हम दुकान वाले के मुंह पे मारेंगे, बोलेंगे ना हमें ये टुलुआ भैया वाला जूता ला के दीजिए। ठीक है टुलू भैया,